अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ आमलेट। इसके लिए मुझे 3 अंडों की ज़रूरत थी। मैंने 3 अंडे लिए हैं। इसकी सफेदियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं, जर्दियाँ अलहदा कर ली हैं। ये मेरे पास प्याज है, दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है। मिर्चे नहीं है, मैंने 3 अदद मिर्चे नहीं हैं, इनके मैंने बीज निकाल के इनको चॉप कर लिया है, अभी कुछ छोटी छोटी कर ली हैं। टमाटर है मेरे पास 1 अदद, मैंने टमाटर लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास आलू है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरह। और साथ ही मेरे पास मसाले हैं, इसमें मैं मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी, सारे मसाले मैं आधा चाय का चम्मच इसमें डालूंगी। और हल्दी जो है वो ज़रा कम डालूंगी, आधे चाय के चम्मच से भी मैं इसमें कम शामिल करूंगी। गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, बाकी सारे मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये इसमें शामिल नहीं करना, बाकी ये सारे मसाले इसमें मैं शामिल करती हूँ, आधा चाय का चम्मच। धनिया के पत्ते भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, ताकि इसमें जो नमक मिर्च डाल रही हूँ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब अंडे डालती हूँ उसमें मिक्स नहीं होती। बस ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं घी शामिल करूँगी, इस तरह से घी डाल दिया मैंने। अब ये जो मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है डालूंगी। मैंने इसको डाल दिया है, अपनी आँच मैंने इसकी हल्की कर दी है, चूल्हे की आँच हल्की कर दी है, ताकि ये हल्का, इसको मैंने हाफ डन करना है, बाद में दोबारा इसको फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करना, फिर इसको निकाल लूँगी। एक साइड इसकी हो चुकी है, अब मैं दूसरी साइड भी काट लेती हूँ। दूसरा मिक्सचर जो मैंने बचाया था वो भी बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों हिस्से तैयार हो चुके हैं, एक मैं नीचे रखूंगी ये सफेदियों को, जो मैं इसको बीट करूंगी सफेदी को, एक मैं लेयर इसके नीचे रखूंगी और एक इसके ऊपर रखूंगी। ये 2 लेयरें मैंने तैयार कर ली हैं। अब ये मेरे पास सफेदियाँ हैं, इनको मैं बीट कर लेती हूँ। ये बीट हो चुका है, बहुत अच्छे से बीट हो चुका है, ये देखिए इस तरह बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। अब मैं पैन में मैंने घी डाल दिया है, और ये जो लेयर मैंने निकाली थी इसको दोबारा शामिल कर दूंगी इस तरह। अभी इसके ऊपर जो वो मैं शामिल कर दूंगी, सफेदी जो बीट की थी वो इसके ऊपर मैं रखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफेदी रख दी है, और इसके ऊपर जो दूसरी मैंने लेयर बनाई है वो इसके ऊपर डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसके ऊपर रख दी है, और हल्की आंच पे इसको मैं पका लूंगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन के साथ डाल देती हूँ इस तरह से। एक साइड इसकी हो चुकी है, अब मैं इसको प्लेट रख के पलट लेती हूँ और दूसरी साइड भी पका लेती हूँ। मैंने ये प्लेट इस तरह रखी, और इसको हम इस तरह से
अब मैं इसकी दूसरी साइड भी पका लेती हूँ। इस तरह इसको डाल देना पैन में। दो मिनट के लिए इसको दूसरी साइड भी पकेगी तो फिर ये रेडी हो जाएगा मेरा ऑमलेट। देखिए ऑमलेट तैयार हो चुका है। सिर्फ एक मिनट के लिए मैं और इसे पकाऊंगी, फिर मैं इसे निकाल लूंगी। और इसकी जो सफेदियाँ मैंने बीट की थी, अगर कोई स्पाइसी पसंद करता है ऑमलेट तो जो सफेदी है इसकी उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली, लेकिन अगर कोई स्पाइसी पसंद करता है तो उसमें काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं जो सफेदियाँ मैंने बीट की हैं। बिस्मिल्लाह।